नमस्कार प्लग इन अब पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नाटक। नाटक लिखा है जयांशा पवार ने। इसका शीर्षक है मीरा। ये बात है उस समय की जब दिल्ली पर मुगलों का राज था। अकबर धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। अगर उस समय अकबर का सामना करने कोई खड़ा था तो वो थे राजस्थान के राजपूत। पर आज हम यहाँ बात न ही अकबर की करने वाले हैं न ही राजपूतों की, बल्कि आज हम यहाँ बात करने वाले हैं उसी समय में राठौड़ी वंश में राजा रतन सिंह के यहाँ जन्मी मीराबाई की। मीरा के पैदा होने से पहले ही मीरा के पिता का देहांत हो गया, इसलिए बचपन से ही मीरा अपनी दादी और अपने माँ के साथ पली। पूजा पाठ धर्म कर्म मीरा ने उन्हीं से सीखा। फिर एक दिन मीरा के महल के दरवाजे पर एक साधु आए और उन्होंने आवाज लगाई, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। गम्मा घड़ी ठकुरानी सा। खम्मा घड़ी महाराज आइए पधारिए। मेरी तरफ से भी खम्मा घड़ी महाराज पधारिए, हमारे महल में आपका स्वागत है। गम्मा घड़ी भाई सा आइए महाराज यहाँ विराजिए। ठकुरानी सा क्या मुझे एक पातला मिल सकता है मेरे कान्हा के लिए? जी महाराज। मीरा लाडो ओ मीरा लाडो जाओ जरा भीतर से महाराज जी के लिए एक पाटला तो ले आओ। जी दादी सा। महाराज ये रहा आपका पाटला, इसे किधर रखूं? यहाँ रख दो भाई सा। जी महाराज। इसके बाद साधु बाबा ने अपने झोले से मूर्ति को निकाला और उसे पाटले पर बिठाकर राधे कृष्णा करते हुए अपने स्थान पर भोजन ग्रहण करने बैठ गए। कितने सुंदर हैं आपके कान्हा जी, इन्होंने तो मेरे मन को मोह लिया। ये मूर्ति मेरे लिए बहुत खास है, ये मेरे लिए मेरे गुरु जी ने दी थी और कहा था कि इसे संभाल के रखना और मैं अब इसे एक पल भी अपने से दूर नहीं कर सकता। लीजिए महाराज खीर ग्रहण कीजिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। वाह ठकुरानी सा, आज आपके हाथ की खीर खाकर सच कहूँ तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई और मेरा मन प्रसन्न हो गया। बताइए क्या वरदान चाहिए आपको? मुझे कान्हा जी चाहिए। मीरा भाई क्या कह रही हैं आप? ये लाडो बताया था ना आपको कि ये मूर्ति महाराज के लिए कितनी खास है। ठकुरानी सा ये भाई सा क्या कह रही हैं? मैंने तो आपको वरदान मांगने के लिए कहा था ना, तो ये क्यों बोल पड़ी? दादी सा बोलिए ना इन्हें, मुझे अपने कान्हा जी दे दे। मीरा भाई शांत हो जाइए। महाराज अगर आप मुझे कान्हा दे देंगे तो क्या वो आपके पास नहीं रहेंगे? क्या वो आपसे अलग हो जाएंगे? समझा दीजिए इन्हें, मैं ये मूर्ति किसी को नहीं दे सकता। राधे राधे। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए, नादान है, बच्ची अभी छोटी है, इस तरीके से नाराज होके मत जाइए महाराज, क्षमा कर दीजिए। माहौल अब काफी गंभीर हो चुका था। साधु ने मूर्ति उठाई और अपने झोले में डालकर बस चलने ही वाले थे कि उन्हें मीरा के रोने की आवाज आई। और फिर उन्होंने झोले में से मूर्ति निकालकर मीरा को सौंप दी। महाराज आप मुझ पर ना विश्वास रखिए, मैं इनका खूब ख्याल रखूंगी, खूब लाड भी करूंगी। उस दिन से ही मीरा ने अपने कान्हा का खुद से ज्यादा ख्याल रखा। खुद खाने से पहले उनको खिलाती, पूरा दिन उनके लिए भजन गाती और अपना सारा वक्त बस अपने कान्हा के साथ बिताती। फिर एक दिन माँ वो देखो बारात जा रही है। माँ सबका दूल्हा होता है, मेरा दूल्हा कहाँ है, वो कैसा दिखता है? ये देख लाडो, ये तेरे कान्हा, यही तो है तेरे दूल्हा और पूरा दिन तू इन्हीं के आगे पीछे तो करती रहती है, इन्हीं की सेवा में लगी रहती है तू, और बिंदनी तो अपने बिंद के लिए यही करती है ना। माँ की हंसी में कही ये बात मीरा के दिल पर घर कर गई
और मीरा ने कान्हा को ही अपना पति मान लिया। धीरे धीरे समय बीता और मीरा की शादी की उम्र हो गई और उनके लिए मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोज का रिश्ता आया। दादी सा कहाँ हैं आप? हाँ हाँ, क्या हुआ लाडो? यहाँ आओ, यहाँ हैं हम। दादी सा, ये हम क्या सुन रहे हैं कि हमारे लिए कुंवर भोज का रिश्ता आया है और आप उसको हाँ करने वाली हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने लाडो। आपके लिए कुंवर भोज का रिश्ता आया है और कुछ दिन में ही आपका उनके साथ ब्याह होने वाला है। पर दादी सा, आप तो इस बात को जानती हैं ना कि हमारे पति कान्हा हैं, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? अब ये बचपना करना छोड़ दो लाडो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और वैसे भी एक नए दिन तो हर लड़की को अपनी ससुराल जाना ही होता है। पर दादी सा, पर भर कुछ नहीं, या तो आप अपनी जिद पर अड़ी रहें या अपनी कुल की मर्यादा को संभाल लें। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है दादी सा, तो हम भी कह देते हैं आपसे, ब्याह करेंगे तो सिर्फ अपने कान्हा के साथ, फेरे लेंगे तो उनको अपने साथ लेकर लेंगे। दासी, कान्हा के लिए झालर वाली दूल्हे की पोशाक बनवाई जाए। और फिर बड़े ही धूमधाम से राजा भोज और मीरा का विवाह संपन्न हो जाता है। मीरा बाई, आप कान्हा की भक्ति करती हैं, ये बात हम पहले से जानते थे, पर क्या आप पूरा दिन बस यही करती रहती हैं या शादी के बाद करना शुरू कर दिया है? आप जानती हैं ना, हम आपके पति हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारी हमारे प्रति भी बनती है। देखिए महाराज, मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि मैंने आपसे शादी नहीं की, पर मैं आपको कह दे रही हूँ कि मैं आपको अपना पति नहीं मान सकती, क्योंकि मेरे पति तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कान्हा हैं। कान्हा में मेरे प्राण बसते हैं, और आप खुद ही बताइए, अगर मीरा बाई अपने प्राणों से दूर हो गई तो वो जीवित कैसे रह पाएंगी? आप वफादार हैं मीरा बाई। सांसों की माला पे सिमरूं मैं कृष्णा। कुछ दिन बीत गए, भोज अकेले में बैठे हुए थे, तभी उनकी बहन आती है। खम्मागड़ी भाई साहब। खम्मागड़ी, कहो आज इधर कैसे आना हुआ? आपको नहीं पता? नहीं भाई, आपके आने की वजह तो आप ही बता सकती हैं। ज्यादा भोले मत बनो भाई साहब, आपको पता भी है आपकी बींदड़ी आपके पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रही है। क्या मीरा भाई, वो तो एकदम ठीक है, वो तो कुछ नहीं कर रही। रहने दो भाई साहब, आपकी पत्नी है ना, इसलिए छुपा रहे हो, पर सुन लो, सबको पता है कि आपकी बींदड़ी पूरा पूरा दिन बस महल के बाहर वाले मंदिर में बैठी रहती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर दरवाजा बंद कर घंटों नाचती रहती है, ना जाने कितने साधु संत आते रहते हैं वहाँ। अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए, भूलिए मत आप किसके बारे में बात कर रही हैं। क्यों, बुरा लगा? कोई बात नहीं, नहीं कहती, पर कह दे रही हूँ भाई साहब, आज हमने बोला है तो आपने हमें तो चुप करा दिया, लेकिन जब कल को लोग आकर आपके मुंह पर बोलेंगे ना, तो उन्हें आप चुप नहीं करा पाओगे। मान जाओ अब भी वक्त है, वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी बींदड़ी समाज में कुल की नाक कटा देगी। चलो जाती हूँ घनी खम्मा। वैसे बात तो ये सही कह रही थी, अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ना जाने क्या होगा। मीरा बाई, मीरा बाई। आज मेरे कान्हा को मेरे हाथ की बनी ये खीर बहुत पसंद आएगी, इतने प्यार से जो मैंने बनाई है। मीरा बाई, हमें आपसे एक बात करनी है। जी महाराज, कहिए, पर थोड़ा जल्दी कहिएगा, मेरे कान्हा सुबह से भूखे हैं। भोज, देख तेरी बीदड़ी ने क्या गुल खिलाया है। क्या हुआ महाराज, आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों, तुझे नहीं पता? क्या नहीं पता महाराज, क्या हो गया? क्या हो गया, तेरी पत्नी ने हमारे कुल माता की पूजा ना करके अपने कान्हा को पूजा, हमने कुछ नहीं कहा, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, तेरी बींदड़ी ने तेरे साथ पति नहीं बल्कि अजनबियों जैसा व्यवहार किया, तब भी हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी। शांत हो जाइए महाराज, बताइए तो क्या किया मीरा ने।
तेरी पत्नी के पास जो कान्हा की मूर्ति है ना, देख उसके पास क्या मिला। अकबर का हार? सही पहचाना तूने, ये अकबर का हार है। तेरी बीनड़ी के पास इस हार के मिलने का मतलब ही जानता है तू? कोई ना, मैं ही बता देता हूं। इसका ये मतलब है कि तेरी बीनड़ी छुप छुप के अकबर से मिलती है। तुझे पता है पिछले माह ही एक गुप्त खत गया था राज के बाहर, जो कि तेरी बीनड़ी ने लिखा था। मीराबाई, ये सब क्या है? आपके पास ये अकबर का हार क्या कर रहा है? अरे ये हार, ये तो अकबर जी हमारे कान्हा के लिए उपहार में लेकर आए थे। वो आए थे पिछले महीने हमारे कान्हा से भेंट करने, और आप जानते भी हैं ये हार उन्होंने बड़े ही प्यार से हमारे कान्हा को दिया था। और अब आप ही बताइए, अपने कान्हा को इतने प्यार से दी हुई चीज को मैं कैसे इनकार कर सकती थी? और अगर आपको यकीन ना हो ना, तो आप मेरे कान्हा से पूछ लीजिए। कान्हा की सौ, मैं सच कह रही हूँ। और वो खत, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो खत जो मैंने पिछले महीने लिखा था, वो तो मैंने कबीर दास जी को लिखा था ये पूछने के लिए कि वो यहाँ पे कब प्रस्थान करेंगे। सच्ची सच्ची आप कान्हा जी से पूछ लीजिए। बस बहुत हुआ छोरी, अब तो झूठ बोलना बंद कर और मान ले कि तू गद्दार है। नाना ससुर जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं गद्दार नहीं हूँ। आप चाहे तो मेरे कान्हा से पूछ सकते हैं, वो तो सब सच जानते हैं ना। सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं, तो मुझे मत बता, समझी? बहुत देखे हैं तेरे जैसे। देखिए, मुझे जो कहना था मैं आपसे कह चुकी हूँ। मैं अब भी कह रही हूँ कि मैं गद्दार नहीं हूँ। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी आपको सच बोला वो सब झूठ है और मैं गद्दार हूँ, तो मैं गद्दार ही सही। शायद इसमें भी मेरे कान्हा की ही कोई लीला होगी, शायद इसमें मेरे कान्हा की ही कोई मर्जी होगी। आप अब मेरे को जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सच मैं अब आपको नहीं बता सकती। ये आप क्या कह रही हैं मेरा भाई? बस करो भोज, हमारे यहाँ गद्दारी की बस एक सजा होती है और वो होती है मौत, और जो आज मीरा को भी मिलेगी। अब बोलो मीरा, तुम्हें ये सजा मंजूर है? आप मुझे गद्दार समझते हैं, और अगर आपके यहाँ गद्दारी की सजा मौत है तो मुझे ये मौत मंजूर है। दासी, विष का प्याला पेश किया जाए और इस गद्दार के हाथ में थमा दिया जाए। मेरे तो गिरधर को पार दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर को पाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोरे मुकुट मेरा पति सुबोही। इसके बाद मीरा ने हाथों में विष का प्याला लिया और वो पूरा विष का प्याला कृष्णा कृष्णा बोलते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए पी लिया, और फिर वो अपने हाथों में तानपुरा लिए भजन गाते हुए उसी मंदिर में चली गई जहां उनके कृष्णा की मूर्ति स्थापित थी, और उस मंदिर के पट बंद कर लिए। पट खुलने पर मीरा की बेजंती माला और तानपुरा उनके कृष्णा के पैरों में मिली। मीरा कहां गई ये कोई नहीं जानता। शायद मीरा का प्रेम अपने कृष्ण के लिए इतना ज्यादा था कि वो अपने कृष्ण में ही समा गई। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्लगइन, अ पॉडकास्ट बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से प्रस्तुत ये नाटक मीरा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे दिव्यांश त्रिपाठी, जयांशा पवार, प्रीत जायसवाल, ऋषभ तिवारी और अनुराग पांडे।